एक और बारिश ने कराची फिर डुबो दिया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, शहर का हुलिया बिगड़ गया। सड़कें, तालाब और गाड़ियां पानी में तैरने लगे। कराची यूनिवर्सिटी के सामने सड़क झील बन गई। स्कीम 33 सुपर हाईवे, नूरियाबाद, गुलशन मेमार, हदीद, बहादुराबाद, गुरु मंदिर, डिफेंस, मलिर में तेज बारिश, लांढी, नेशनल स्टेडियम रोड और दीगर सड़कें भी जेरे आब। नीपा चुरंगी पर पानी जमा होने से सफारी पार्क तक ट्रैफिक जैम। एयरपोर्ट पर बारिश का पानी जमा होने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लैंडिंग में मुश्किलात के बायस एक प्रवास को लाहौर, दूसरी को मुल्तान भिजवाना पड़ा। बारिश से शहर के 300 से ज्यादा फीडर्स भी मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। अंदरून सिंध के कई शहरों में 15 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के नए स्पेल के तहत थरपारकर, सांगढ़, मीरपुर खास, ठट्ठा और बदीन में बादल बरसेंगे। जिला उमरकोट में सुबह से गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से तेज बारिश, शहर की बेशतर शाहराहें पानी में डूब गईं। सहवन का शहबाज एयरपोर्ट सैलाबी पानी में डूब गया। रनवे पर जहां कभी जहाज उड़ान भरते थे, अब कश्तियां चल रही हैं। अंदरूनी सिंध में हर तरफ सैलाब के डेरे, पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। कुंडरी में बरसाती नाला टूट गया, पूरा इलाका दरिया में तब्दील, हर तरफ पानी ही पानी। 7 यूनियन काउंसिल मुसलसल पानी में डूबी हुई हैं। सजावल की तहसील शाहबंदर में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद पर 50 फुट चौड़ा शगाफ, 5 देहात जेरे आब आ गए। मकामी अफराद की नकल मकानी, रोहड़ी में 10 साल बच्चा सैलाबी पानी में डूब कर जान बहक। लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत मदद कर रही है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ जो जिस लेवल की होनी चाहिए वो इसलिए नहीं हो सकती कि जिस लेवल का ये कि आजमाइश है, जिस लेवल का डिजास्टर है। सैलाब मुतासरीन की जिस सतह पर मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही। लोगों की परेशानियां देखी हैं, उनकी शिकायत जायज हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा और मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे पास जितने वसाइल हैं वो सब इस्तेमाल किए, लोगों की हालत बहुत ख़राब है। दादू का फिजाई मुआयना किया, उम्मीद है दादू में नुकसान नहीं होगा। ताल्लुका से सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया, हमने मंछर को 5 कर दिए। अब पानी दरियाए सिंध में जा रहा है। वहाँ के दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध की कश्ती खराब हो गई, इंतजामिया में हलचल मच गई। वज़ीर आला सिंध को दूसरी कश्ती में सवार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान की बहाली के मिशन पर सरगर्म अमल। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में लाहौर पहुँचेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ सनतकारों, ताजरों और बड़े कारोबारी ग्रुपों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। सनतकारों और बिजनेस टाइकॉन्स के एजाज में इशाया भी देंगे। वज़ीर आज़म सैलाब ज़दगान की मदद और फंड देने की अपील करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसी हफ्ते चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। मुलाकात उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में होगी। एक तरफ सैलाब, दूसरी जानिब बीमारियों की यलगार। सिंध और पंजाब में डेंगू मच्छर के हमले तेज। कराची के जिला शर्की में डेंगू बुखार में मुब्तला एक मरीज दम तोड़ गया। रवा माह डेंगू से अमवात की तादाद 2 हो गई। 24 घंटों में 107 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 106 मरीज रिपोर्ट। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी में 43, लाहौर में 30 केस रिकॉर्ड पर आए। अस्पतालों में डेंगू के 588 मरीज जेरे इलाज। आप क्या बोल देते हो, कभी क्या बोल देते हो, पाकिस्तान के 12 मौसम बना देते हो। आपकी तकरीरें जब से शुरू हुई हैं, आपकी हुकूमत में भी और आज तक, ये सरदर्द जो है ना वो भी इस ब्रांड पर स्ट्रेस का एक बायस है। खुदा के वास्ते कम बोलो, सोच के बोलो तो ये दवा भी नॉर्मल हो जाएगी।
इमरान खान तकरीर सुनकर पेनाडोल की शॉर्टेज हो जाती है। वफाकी वजीर सेहत ने मार्केट में अद्वियात की कमी को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अब्दुल कादिर पटेल की CCO ड्रैप आसिम रूफ के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर ने कहा, एक सियासी जमात मुल्क दुश्मनी में अंधी हो गई। चीजों की कमी का बयान देने से लोगों में अफरा तफरी फैलती है। पैरासिटामोल मार्केट में वाफिर मकदार में मौजूद है। इल्जाम भी लगाया इमरान खान ने 10% कमीशन के खातिर अद्वियात की कीमतों में 179% इजाफा किया। के इलेक्ट्रिक ने मजार कायद को भी ना बख्शा। ओमान के आला सतह के वफद के मजार कायद के दौरे के दौरान अचानक बिजली चली गई। गैर मुल्की वफद के अरकान हैरान। जराए के मुताबिक मजार कायद को लोड शेडिंग से मुकम्मल असस्ता होने के बावजूद रोजाना 4 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन चुकी। दिन 1:30 बजे से 3 बजे, शाम 6:30 से रात 8 बजे और रात 2 से 3 बजे तक मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग से सिक्योरिटी कैमरे भी गैर फाल हो जाते हैं। महंगाई के सताए बिजली सारफीन पर एक और बम गिरा दिया गया। बिजली महाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 4.34 रुपए महंगी। सारफीन पर एक माह के लिए 59 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेप्रा ने जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट का फैसला जारी कर दिया। इजाफी वसूलियां सितंबर के बिलों से होंगी। पंजाब हुकूमत का फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम की कीमत बढ़ाने का फैसला। सरकारी गंदम की कीमत 1,765 रुपए से बढ़ाकर 2,300 रुपए की जाएगी। 20 किलो आटे के थैले की परचून कीमत 980 से बढ़ाकर 1,360 रुपए हो जाएगी। इस वक्त हुकूमत फी मंथ सरकारी गंदम की फरोख पर 1,265 रुपए सब्सिडी बर्दाश्त कर रही है। पंजाब हुकूमत ने गंदम की आइंदा फसल की इमदादी कीमत बढ़ाकर 3,000 रुपए फी मंथ मुकर्रर कर दी। लाहौर में चक्की मालिकान भी सरगर्म। आटे की कीमत में 120 रुपए फी मन इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत 108 रुपए हो गई। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन का कहना है, गंदम की कीमत 3,000 रुपए मन से बढ़ गई। महंगी गंदम लेकर 105 रुपए किलो आटा नहीं बेच सकते। सूबाई वजीर दाखला हाशिम डोगर कहते हैं, नहीं चाहते किसी पुलिस वाले के साथ ज्यादती हो। वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त करने जा रहे हैं। पुलिस अफसरान इंक्वायरी में बता दें उन्हें किसने तशद्दुद का हुक्म दिया। वजीर आला से दरख्वास्त कर दी है, आज कल में जुडिशल इंक्वायरी के लिए लिख देंगे। मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सारिक सलीम शेख भी बेंच का हिस्सा होंगे। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। वजीर अला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। विफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानिबदाराना रहा। इस मुकदमे के फैसले का रद्द अमल जजेस तकर्री के लिए मुनाक़िदा इजलास में सामने आया। दोस्त मिसारी रूलिंग केस में सियासी जमातों के सख्त रद्द अमल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। पॉलिसी मामलों में अमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते, लेकिन लोगों के बुनियादी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए ऐसे मकामात भी सुनने पड़ते हैं। तौहीने अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने वकील अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के जरिए अदालत आलिया में तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा करा दिया। राना शमीम ने कहा, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज का नाम बयान हल्फी में लिखना था। गलत फहमी की बिना पर उस वक्त के सीनियर जज की जगह हाईकोर्ट के हाजिर जज का नया बयान हल्फी में लिख दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ जज को एक और बयान हल्फी जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया।
इमरान खान को फिर उबूरी जमानत मिल गई। खातून जज को धमकाने से मुतल्लिक केस की उबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि बार रूम में बयान कलम बंद कराएं या जहां भी तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए हैं लेकिन वो तहाल शामिल तफ्तीश नहीं हुए। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि आप तक बयान पहुंचा जिसे आपने रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया, इससे तो आपकी बदनीयती साबित होती है। क्या वो बयान आपने तोहफे के तौर पर रखा हुआ है? पुलिस हिरासत में तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने पर मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह मुकदमा दहशतगर्दी के कानून और मुल्क का मजाक उड़ाने जैसा है। एक प्रोफेसर जो दहशतगर्द है ना कातिल, उस पर हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है जिसकी जेल सुपरिटेंडेंट तस्दीक करता है। एक सहाफी ने सवाल किया, पहले अल्ताफ हुसैन फिर नवाज शरीफ और अब आपको माइनस किया जा रहा है। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया, किसी से मेरा मवासना ना करें। दूसरी जानिब इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरतेहाल, आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को खतरनाक करार दे दिया। कहा, तकबर और खुद पसंदी का जहनी मरीज होने के सबब इमरान खान वाकई खतरनाक हैं। इमरान खान को किसी इदारे, उसके सरबराह या जज को गाली देने में कोई शर्म नहीं। ये बीमार जहनियत सैलाब मुतासरीन के आटे पर भी सियासत करता है। ख्वाजा साद रफीक की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान मुसलसल मुल्क की सलामती पर हमले कर रहे हैं, जल्द से करके नौटंकी दिखाना जेब नहीं देता। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को शो कॉज नोटिस 27 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने आज ही इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा कराया और इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार और नोटिस चैलेंज किया था। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में कहा कि कोई तौहीन नहीं की, इलेक्शन कमीशन को तौहीन के मुकदमात सुनने का इख्तियार भी नहीं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस भिजवाने का भी इख्तियार नहीं। इमरान खान ने नोटिस वापस लेने की इस्तदा की। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। सहाफियों का जो ग्रुप है जो स्ट्रेटजिक मीडिया सेल के साथ काम करता है और उसने भी एक वीडियो बना करके डाली और ये सारे लोग एक्चुअली जो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और ये उस सारी स्कीम के छोटे छोटे हिस्सेदार हैं। मरियम नवाज शरीफ इसके पीछे सारा जो स्ट्रेटजिक सेल है वो चलाती हैं, पैसे भी वही खर्च करती हैं। ये सारे लोग इमरान खान के कत्ल की साजिश कर रहे हैं। इस हुकूमत ने हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी और सानिया रिश्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, तमाम स्कैंडल्स के पीछे मरियम नवाज का हाथ है, ये जो भी कर लें इसका इनको जवाब मिलेगा। तहरीक इंसाफ चाहती है 123 नशस्तों पर इंतखाबात कराए जाएं। डॉक्टर सानिया रिश्ते ने कहा, सैलाब जदगान को इमदाद देने में कोई सियासत नहीं होगी। पीटीआई के 11 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल नहीं की। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की हद तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब्दुल शकूर शाद के इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, पेटिशनर अब्दुल शकूर शाद थे इसलिए नोटिफिकेशन भी एक मेंबर की हद तक मुअत्तल है। अब्दुल शकूर शाद के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने 11 मेंबरान का इकट्ठा नोटिफिकेशन किया था, अदालत ने केस की मजीद समा मुलतवी कर दी। एशिया कप के फाइनल में हार पाकिस्तानी टीम पर तनकीद। लाहौर में जिंसी दरिंदगी का दिल दहला देने वाला वाकया। डिफेंसी में दो मुलजिमान की गन पॉइंट पर शौहर के सामने बीवी से इज्तमाई ज्यादती। मुलजिमान दीवार फैलांग कर घर में घुसे, मियां बीवी पर असलहा तान लिया। मुलजिमान खातून को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नामजद एक मुलजिम यूसुफ गिरफ्तार। लाहौर के इलाके शादबाग में मामूली तलकलामी पर नौजवान कातिल। मुसल्ला अफराद ने घर के टेरेस पर खड़े नौजवान अफसार पर गोलियां बरसा दीं। मुलजिमान मकतूल के घर पर पथराव करते और डंडे भी बरसाते रहे।
जान जहानी मलिका एलिजाबेथ दोइम की वफात पर दुनिया भर में सोग और ताजियत का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में भी आज सरकारी सतह पर सोग मनाया गया, कौमी परचम सर निगू रहा। मलिका एलिजाबेथ दोइम के ताबूत को स्कॉटलैंड के दारुकुमत एडिनबरा के सेंट जाइल्स कैथेड्रल पहुंचा दिया गया। ताबूत को 24 घंटे यहां रखा जाएगा, मकामी लोग आखिरी दीदार करेंगे। कल शहजादी एन नीदरलैंड के माहरीन का कारनामा, मस्नूई जहानत की टेक्नोलॉजी से लैस एक नई ऐप तैयार कर ली। ऐप की मदद से फोन के सामने सिर्फ खांसने से कोविड की तशखीस मुमकिन हो सकेगी। और जंगे सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का 57वां यौम शहादत। मेजर अजीज भट्टी ने 12 सितंबर 1965 को लाहौर का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम का निशान हैदर पाने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम।